गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट अवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आर शेल्टर टू आर शेल्टर सो हाई आ ट्रेवलर स्टिल। ये ट्रेवलर है गौरव जानी और उसके पास उसकी लोनर है, उसकी बाइक है, उसकी पार्टनर है। जो उसकी स्टोरी थी कि वो कैसे कैसे वो हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, वो क्लाइंबिंग कर रहा है, इसके बारे में था, टेंट में कैसे रहता है। आगे हम उसका रिमेनिंग पार्ट आगे करेंगे। 2 पेजेस तो मैंने आपको करवा दी थी बेटा, अब हम इसके आगे आएंगे। इधर लिविंग पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लोग जो है वो वर्ल्ड के टॉप पर रहते हैं। कैसे रहते हैं उसके बारे में है कि क्या क्या है उस आगे। नाउ वॉज द टाइम ऑफ क्लाइम हायर, लूनर हैड अ रफ टाइम जिग जैगिंग अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल। अब जो टाइम जो था वो उनको और ज़्यादा हाई अप में क्लाइंब करने का था, ठीक है, जैसे उसको और आगे ऊपर माउंटेन में आगे चढ़ना था तो और उसको और आगे ऊपर ऊंचाई में और चढ़ना था। और लूनर जो अपनी लूनर के साथ वो आगे बढ़ रहा था तो वहाँ का जो रास्ता था बहुत ही टफ टाइम, टफ टाइम का मतलब होता है कि रास्ता बहुत ही बेकार था, बड़ी मुश्किलों वाला था, जिग जैग जैसे होता है, जिग जैग जैसे वहाँ पर सड़क थी वो नैरो, बहुत ही संकरी रास्ते थे, रॉकी माउंटेन्स रोड मतलब पत्थर पत्थर थे, उसमें चट्टान के जो टुकड़े वगैरह होते हैं ना इस तरह से रोड में गिरे हुए थे। बड़ी मुश्किल से लूनर के साथ वो आगे बढ़ रहा था। कई जगह पे जो वहाँ पे रोड थी ही नहीं, तो बिना रोड के तो देखो कितना मुश्किल होगा पहाड़ों पे चढ़ना आगे। इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चेंगथांग, जो आगे उनको जो है वो आगे आगे रॉकी प्लेन्स चेंगथांग जगह का नाम है, वहाँ की तरफ आगे बढ़ रहे थे वो। दिस प्लेस इज एट द हाई ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर। ये जो जगह थी ये कम से कम 5000 मीटर ऊंची थी, 5000 मीटर लगा लो जिस जगह को चढ़ रहा था, जिस माउंटेन पर वो जगह पर चेंगथांग पर वो 5000 मीटर ऊंचाई पे था। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, और ये बहुत ही ऊंचा था और जैसे कि जितनी ऊंचाई पे हम लोग चढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो उतनी ही ऊंचाई पे क्या होता है ऑक्सीजन कम होता रहता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण हम लोगों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे ही उसको भी उसके साथ भी होता है कि जैसे वो अपनी बाइक से आगे ऊंचाई की तरफ बढ़ता जा रहा था तो उसको भी वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उसको वहाँ ब्रीथिंग में थोड़ी सी परेशानी हुई। ये तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी के साथ होता है ऐसा। आई हैड ए हेडेक एंड फेल्ट वीक, और उसने जो है उसके सर, उसने जब ऊपर चढ़ा ऑक्सीजन की वीकनेस हुई उसके अंदर महसूस हुई तो उसको जो उसके सर में दर्द उसको महसूस हुआ और उसने अपने आप अंदर कमजोरी महसूस करी। उसको ये लगा कि मैं बहुत वीक पड़ता जा रहा हूँ, कमजोर होता जा रहा हूँ, सर में दर्द भी उसको स्टार्ट हो गया था। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर फॉर मैनी डेज वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया विद नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन साइट। और फिर वो जो है थोड़ा सा वो स्लो हो गया और उसने जो है वहाँ पे हवा में वो जो है आराम से पहले सांस ली, फिर आगे को बढ़ा और कई दिनों से वो देख रहा था कि जब वो इधर उधर उस एरिया में घूम रहा था तो वहाँ उसको एक सिंगल ह्यूमन बींग, एक सिंगल आदमी भी उसको वहाँ पे नज़र नहीं आया। अब वो क्योंकि हाई प्लेसेस में तो लोग बहुत कम रहते हैं, अब वो जहाँ वो जा रहा था वो चेंगथांग में वो तो बहुत ही 5000 मीटर ऊंचा था और वहाँ पे उसे कोई भी एक पर्सन भी उसको दिखाई नहीं दिया। नो पेट्रोल पम्प्स, नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। कोई पेट्रोल पंप नहीं था, कोई मैकेनिक नहीं था, केवल ब्लू आसमान, नीला आसमान और कई सुंदर सुंदर झीलें वहाँ चारों तरफ थी। मैनी डेज एंड नाइट पास, कई दिन और रात जो है बीत गई। लूनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, सडनली वन मॉर्निंग आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड। और इस तरह से कई दिन और रात बीत गए, वो ऐसे ऊपर चढ़ाई करते रहे और लूनर और मैं जो है वो हम दोनों जो है आगे को ही बढ़ते चले गए। अचानक से एक दिन उन्होंने सुबह क्या देखा कि कुछ फ्लैट मतलब कहीं जैसे ग्राउंड टाइप को होता है, फ्लैट एरिया होता है, वहाँ पे ग्रास थी, वहाँ पे हरी ग्रास थी जमीन पे। मैनी शीप एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर, और कई भेड़ें और बकरियां वहाँ पे घास चर रही थी।
फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स, और कुछ दूरी के डिस्टेंस पे मैंने जो दूर से ही वहाँ पे कुछ टेंट देखे। आई वॉन्डर हु लिव देयर एंड वाई एंड वट दे वर डूइंग इन दिस फॉर आउट प्लेस। मैं हैरान था कि यहाँ पे कौन रह रहे हैं, क्योंकि इतनी दूरी पे वो ऊंचाई पे चला गया था, कितने दिनों से वो चल रहा था, रात दिन हो गए थे और वहाँ पे उसे कोई इंसान तक नहीं दिखाई दिया, और अचानक से उसको एक दिन सुबह जो है एक हरा मैदान दिखाई देता, घास वाला, वहाँ पे भेड़े हुए दिखाई दी और कुछ टेंट भी दिखाई दिए। वो सोच रहा था कि इन टेंटों में कौन रहता होगा और इतनी दूर इस जगह पे क्या करते हैं ये लोग। ये तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, आगे हम इधर आएंगे नीचे। द चैंगपा, चैंगपा देखो क्या है, किस जगह क्या है नाम है इसका। देयर आई मेट ए नामग्याल एंड केम टू नाउ अबाउट द चैंगपा आर ट्रिब्यूट लिविंग ऑन द माउंटेन। वहां मैं नेगपा से मिला, नेगयाल से मिला। नेगयाल से मिलने के बाद क्या हुआ, उसने उसको चैंगपा के बारे में बताया कि वो एक ट्राइब है जो कि माउंटेन पर रहता है, एक इसलिए जनजाति होती है उनकी, वो लोग वहाँ पर रहते हैं। चैंगपा जो एक जनजाति है, जो ट्राइब है, वो वहाँ पे माउंटेन पर रहता है। चैंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल। चैंगपा जो उनका ग्रुप है, ये इसका नाम है, वहाँ उसमें जो है केवल 5,000 लोग ही हैं। द चैंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शीप्स। चैंगपा जो है वो हमेशा यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ। इट इज फ्रॉम देयर दिस दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड, मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। देखो यहाँ पे उनको जो जो चीज़ें चाहिए होती थी यहाँ से, उनको वो सारी चीज़ें उनको वहाँ से मिल जाती थी। जैसे कि जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे दूध हो गया ज़रूरत की चीज़, मीट खाने के लिए हो गया उनके लिए पेट भरने के लिए, स्किन टेंट के लिए, टेंट बनाने के लिए उनको एनिमल्स की स्किन मिल जाती थी, एंड वूल कोट बनाने के लिए, कोट पहनने के लिए उनको वूल मिल जाती थी गोट से, शीप से, और स्वेटर बनाने के लिए। तो उनको जो भी जीवन जीने के लिए जो भी हमें ज़रूरत नहीं होती है इंसानों को, हम लोगों को, वो उनको वहीं पे मिल जाती थी, इसलिए वो लोग एकदम अलग थे। वो देयर गॉड्स आर देयर ओनली ट्रेजर, उनकी बकरियां हैं केवल उनकी, उनका खजाना थी। ट्रेजर मीन्स मतलब उनका, उनकी धन दौलत, उनका पैसा, उनका खजाना केवल क्या थी, उनकी बकरियां ही थी। इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल इट इज कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पोर्टेंट। और उन यदि कोई फैमिली ऐसी है जिसके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो वही फैमिली बहुत ज़्यादा रिच और इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण मानी जाती थी। मतलब उनके यहाँ पे जिनके पास ज़्यादा बकरियाँ होती थी, वही फैमिली जो है अमीर मानी जाती थी। फ्रॉम दीज स्पेशल गॉड्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पाशमीना वूल। इन्हीं बकरियों से, इन्हीं स्पेशल बकरियों से उनको वर्ल्ड की फेमस ऊन पाशमीना मिलती थी, जिस ऊन को बनाते थे। पाशमीना जो ऊन है, एक बहुत अच्छा ब्रांड है, ये नाम है एक तरह से पाशमीना। तो ये जो पूरी वर्ल्ड फेमस है, इसका बहुत, ये बहुत ही कम मिलती है, ये एकदम प्योर ऊन होती है ये। और इससे जो गॉड्स से जो वूल मिलती थी उनको, ये पाशमीना पूरे वर्ल्ड में फेमस है। द चैंगपा ग्रेस देयर गॉड्स एट हायर एंड कूलर प्लेसेस सो दैट द गॉड्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। चैंगपा जो जगह थी वहाँ पे जो ये बकरियाँ इतनी ऊंचाई पर, ठंडी ठंडी जगह पर ये बकरियाँ वहाँ पे जो ग्रेजिंग करती थी, घास खाती थी, तो जो वहाँ इससे उनके जो वो फर थे, उनके हेयर थे, बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा थे। दे स्टे हाई अप ऑन दिस माउंटेन इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस बिकॉज दैट इज वेयर दिस गॉड्स कैन लिव, दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड। और ये लोग, ये इतनी हाई अप जगह पर रहते थे माउंटेन्स पर, जहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि माउंटेन पर रहना वहाँ पर कैसी बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन होती है, पानी की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है,
जो हमें जीवन में कई चीज़ों की जरूरत होती है डेली। देखो हम लोग ऐसे शॉप्स में दौड़ते रहते हैं अपनी चीज़ों के लिए, है ना, वो सब चीज़ों की वहाँ पे कमी होती है, कमी थी, फिर भी इतनी मुश्किलों में वो लोग वहाँ पे रहते थे क्योंकि उनके पास उनकी बकरियाँ थी और बकरियों बकरियाँ ही उनका जीवन और उनकी जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु थी, है ना, उनकी जिंदगी ही बकरियाँ थी, इसलिए वो लोग उन बकरियों के साथ वहाँ आराम से इजली से रह रहे थे। इट वॉज कैरिंग वेरी लिटल ऑफ आई वॉज कैरिंग वेरी लिटल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल। मैं जो है कहते मैं अपनी अपनी जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी उनको मैं अपनी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें थी हल्की सी उनको मैं अपनी बाइक से कैरी कर रहा था, और परंतु जो चेंगपा में जो लोग थे वो लोग अपनी हर चीज़ को कैसे कैरी करते थे, ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक्स, अपने हॉर्सेस और याक्स से वो उनको कैरी करते थे। अगर उनको कोई सामान यहाँ से वहाँ ले जाना है, कोई चीज़ लेके जानी है, तो उसके लिए वो अपने घोड़ों को और याक को यूज़ करते थे, उनको क्योंकि उन्होंने वहाँ याक भी पाले हुए थे, घोड़े भी, शिप्स भी और गोट्स भी। इट टेकन देम ओनली टू एंड अ हाफ आवर टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। विद इन नो टाइम दे पुट देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस एंड द लगेज इज अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी। ठीक है, वो अपने घोड़ों से और अपने याक से सामान को कैरी करते थे, और वो जो है अपनी हर चीज़ को सामान को जो है वो 2 घंटे और हाफ मतलब 2.5 घंटे में वो हर चीज़ को पैक करके रख लेते थे और उसको आगे अपने जहाँ उनको चलना था तो वहाँ चल लेते थे। विद इन नो टाइम, और बिना टाइम को बिना टाइम लगे वो लोग अपने टेंट को अपने चूजन प्लेस पे सेट कर लेते थे, रख लेते थे, द लगेज अनपैक्ड, और लगेज जो था उनका अनपैक्ड ही रहता था और वो अपने घर को तैयार कर लेते थे। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू अवर होम सेट नेमग्याल एज ही लीड मी टू द बिग कॉन शेप टेंट। और तुम्हारा मतलब जैसे जो ये था हमारा ये क्या नाम इसका गौरव जानी जो ऊपर हाई प्लेस में उनके पास गया था उनके मिलने के, तो नेमग्याल ने उसको अपने घर में बुलाया और कहता तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, तुम मेरे घर में हो। तो उसने उसको अपने घर में बुलाया, तो वो कैसा घर था, वो बिग कॉन बहुत बड़ा और कॉन की शेप में टेंट था, वो उसको उसके अंदर लेके गया। दे कॉल देयर टेंट रिबो, उसने उन्होंने अपने टेंट को क्या कह के बुलाया, रिबो, मतलब उन्होंने बोला कि जो हमारा टेंट है वो क्या है, रिबो है। याक हेयर इज वूवन टू मेक स्ट्रिप्स विद आर स्टिच टुगेदर, कहते याक के बालों से स्ट्रिप बनाई बुना जाता है और उससे फिर इसको आप इसको उनको इकट्ठे करके सिला जाता है, उससे टेंट बनता है। देखो जो उनका टेंट है वो किससे बना हुआ है, याक के बालों को लेकर उनको आपस में बुन के पहले स्ट्रिप तैयार की जाती है, पट्टियां तैयार करते हैं, उन पट्टियों को फिर आपस में सिलकर स्टिच करके उनको उससे टेंट बनाते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। और ये जो है वहाँ पे ये जो टेंट है जो बनते हैं याक के बालों से बनाया जाता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्म मजबूत गर्म और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, और जो बर्फीली हवाएं होती हैं उनसे बचाने वाला टेंट होता है, ये इन सबसे बचाता था उनको। आई सॉ दैट द स्ट्रिप्स वर टाइटली टाइट, और मैंने देखा कि जो स्ट्रिप्स थी वो बहुत टाइटली से टाइट थी, एकदम बहुत की टाइट से बंधी हुई थी, विद 9 स्टिक्स, कम से कम मतलब 9 स्टिक्स से। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट डीप, और जो ग्राउंड था वो 2 फुट गहरा, उसको खोद के उनको स्टिक जो 9 स्टिक थी टेंट को, जो टेंट होता है ना उसको ऐसे से उसको नीचे कील खोद के या कोई गड्ढा सा करके उसमें बांधा जाता है, तो 9 स्टिक्स थी और जो स्ट्रिप थी वो टाइट से बंधी हुई थी, एक टेंट में 9 स्टिक्स लगी थी और वो 2 फीट गहरे गड्ढे के अंदर ऐसे बांधा हुआ था हमको उसमें स्टिक लगा के। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, और टेंट जो है वो जो था ग्राउंड में एकदम ऊंचाई पे हायर पार्ट पे सेट था, मतलब टेंट भी बहुत ऊंचा था, ऐसा नहीं था टेंट बिल्कुल नीचे था, टेंट भी बिल्कुल एकदम ऊंचाई पे लगाया था, इसकी उसकी जो ऊंचाई थी टेंट की वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी। अब देखो यहाँ पे पश्मीना जो शॉल है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी मैं, अभी कितना रह गया आपका 1-2, चलिए नेक्स्ट डे इसको एंड कर देंगे हम, ठीक है, इतना रिवाइज करिए आप इसे।
है ना भाई।